हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइव सफारी। आप ये देख सकते हैं, ये है NH-75 जो कि चाईबासा से आता है। और ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों को चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का विजिट करवाने आया हूँ। ये देख लीजिए, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का मेन गेट हुआ। अब चलिए मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ। ये देखिए, मैं आप लोगों को एंट्री ले रहा हूँ चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो चलिए अब आगे मैं दिखाता हूँ क्या क्या है इस कॉलेज में। तो आगे बने रहिए और मैं आप लोग को पूरा कॉलेज का विजिट करवाऊँगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग जैसे ही आते हैं, यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, विजिटर जो भी आते हैं, यहाँ 3 रजिस्टर रहता है, यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। उसके बाद आगे आपको यहीं से सफ़र स्टार्ट करना है। तो लेट्स गो इन। देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारा डायरेक्शन दिया हुआ है। सेंट्रल लाइब्रेरी का है, रेसिडेंशियल ब्लॉक का है, एकेडमिक ब्लॉक का है। और ये आगे बढ़ते रहिए, ये देखिए यहाँ पे है सीनियर बॉयज़ हॉस्टल। आप गेट से एंट्री लेंगे तो आपको फर्स्ट आप सीनियर बॉयज़ हॉस्टल ही आपको सबसे पहले मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे ही आप लोग कॉलेज एंट्री लेंगे तो आप लोग सबसे पहले सीनियर बॉयज़ हॉस्टल ही आपको मिलेगा। देखिए उधर मेन गेट हुआ, मेन गेट से एंट्री लीजिएगा तो आपको यहाँ पे सीनियर बॉयज़ हॉस्टल ही है सबसे फर्स्ट। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो फिर लाइब्रेरी मिलेगा। आगे आप लोग को ले चलेंगे, यहाँ तक आप लोग आगे बने रहिए। पढ़ेंगे, ये देख लीजिए पूरा आपको व्यू दिखा रहे हैं कॉलेज का। ये समझिए एकदम माउंटेन पे है कॉलेज, जहाँ पे स्टडी होता है। तो आपको ऊपर ले चलेंगे, इधर ग्राउंड फ्लोर में आपको इधर हॉस्टल मिल गया। इधर आप लोग जैसे ही बॉयज़ हॉस्टल के आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को देखिए सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ मिलता है। सेंट्रल लाइब्रेरी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऊपर से स्टूडेंट्स लोग आ रहे हैं, यही है सेंट्रल लाइब्रेरी। इधर सेंट्रल लाइब्रेरी है, अभी तो बंद होगा, अभी लंच टाइम है, मैं लंच टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग को एक दिन मैं लाइब्रेरी का भी दिखा दूंगा। यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बॉयज़ हॉस्टल, सीनियर बॉयज़ हॉस्टल के बगल में ही है सेंट्रल लाइब्रेरी। तो चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ। आप लोग को सारा ओवरव्यू इस कॉलेज चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं आज आप लोग को दिखाने का प्रयास करूँगा। ये कॉलेज का व्यू देख लीजिए, उधर स्टाफ क्वार्टर, आप लोग जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो स्टाफ क्वार्टर है। इसका आगे से है रूट, तो आज आप लोग को मैं दिखाऊँगा। उधर आप लोग देख सकते हैं ऊपर में जो बिल्डिंग दिख रहा है वो है सिविल डिपार्टमेंट का बिल्डिंग, अपना ही बिल्डिंग है। तो आज आप लोग को मैं दिखाऊंगा सारे चीज। देखिए आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग को मैं दिखाता हूँ इधर क्या क्या है। तो फर्स्ट ईयर का बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है, प्रोफेसर क्वार्टर भी इधर ही है, ठीक है। तो यहीं पर देखिए सबसे पहले मैंने दिखाया सीनियर बॉयज़ हॉस्टल, उसके बाद फर्स्ट ईयर का बॉयज़ हॉस्टल इधर ही है। तो सारे मतलब इधर सेपरेट हैं, उधर वो बिल्डिंग जो देख रहा है वो गर्ल्स हॉस्टल है, उधर फिर प्रोफेसर्स का हो गया, फर्स्ट ईयर बॉयज़ का हो गया। तो इस जोन में तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं सीधा ही चलता हूं। और ये आप देख सकते हैं पूरा इस कॉलेज का नेचुरल व्यू। आप लोग जिधर देखेंगे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगा, चिड़िया की चीचीहाटे आप लोग सुन सकते हैं। जरूरी बात सिविल ब्रांच मत लेना, खाली दिखे। देख रहे हैं ये बोदम ऊपर ही पूरा, इधर स्टूडेंट आप देख सकते हैं पूरा स्लोपी रास्ता है। ऊपर से आने में तो उतना लोगों को हरासमेंट नहीं होता, पर जाने में तो बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट होता है। आप लोग देख सकते हैं, कुछ व्यूज़ आप लोग को दिखाता हूँ कि ये मतलब पूरे पहाड़ पर ही समझिए कॉलेज है। आप लोग देखिए इधर नीचे का, इधर देखिए पूरा गड्ढा ही है, इधर देखिए बिल्डिंग्स है प्रोफेसर का, ये देखिए पूरा मीन्स रास्ता समझिए कि दोनों तरफ से इसे एक बैलेंस करके रास्ता बनाया गया है। आप लोग पूरा व्यू देख सकते हैं। अभी तो दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा धूप ज़्यादा ही है। यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं सबसे पहले ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं साइड साइड में, सबसे पहले लोग इन्हीं का शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि ये जैसा रोड है लोग हरासमेंट थक जाते हैं तो यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर ऊपर जाते हैं। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी राहत का ये सब जितना पेड़ देख रहे हैं, तो ये छावनी का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और इधर देख लीजिए आप लोग,
कितना मीन्स ये गहरा है नीचे, कोई भी अगर गाड़ी इधर गाड़ी से आते हैं तो बहुत संभल के आइए ताकि किसी से मिस्टेक्स ना हो और कुशल पूर्वक अपने घर चले जाएं। देख लीजिए इधर एकदम ऊपर जाने में पूरा शरीर का फोर्स लगता है, नीचे तो लोग इजीली आ जाते हैं लेकिन ऊपर जाने में देखिए लोगों को, जो कमजोर दिल वाले हैं उनका सांस भी फूलने लगता है। दिल पे सकते हैं कि नीचे से ऊपर आने आने में लोगों का थोड़ा सा चेहरा डाउन हो चुका है, थोड़े लोग थक चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा फोर्स तो लगता ही है, पूरा ऊपर अप है ना, इसीलिए गाड़ी भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगता है गाड़ी का इंजन में भी। तो ये तीन लोडिंग के लिए नहीं लेकिन दो लोडिंग अच्छा से आराम से धीरे धीरे जा सकते हैं। चहक जाएंगे तो फर्स्ट आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग आपको मिलता है और यहीं पे ग्राउंड फ्लोर में मेश भी है और ये आप देख लीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का यहीं पे है बिल्डिंग। आगे फिर चलिए सारे आप लोग को बिल्डिंग्स दिखाता हूँ, कुछ यहाँ से आप लोग का नीचे का व्यू दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हम लोग नीचे से ऊपर आए हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे का रोड, हम लोग वहाँ से आए हैं। उधर देखिए जो ट्रक दिख रहा होगा दूर में वो मेन रेड रोड है NH 75। उधर आप लोग आगे देख रहे हैं वही हम लोग चाबासा से आए हैं, देख लीजिए आप लोग को ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं टॉप से। तो चलिए आगे, आगे एडमिन है, सिविल डिपार्टमेंट है, तो सारे बिल्डिंग्स आज मैं कवर करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए प्लांटेशन भी किए हैं रोटेटरी क्लब ऑफ चाबासा, तो कोई कोई यहाँ पे क्लब हैं, कल्चर क्लब हो गया, प्लांटेशन क्लब हो गया, फोटोग्राफ क्लब हो गया, तो सारे क्लब्स मिल करके काम करते हैं और स्टूडेंट्स लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है कुछ भी चीज़ करने का। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में ये मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो इसका इधर से भी गेट है आगे से भी गेट है। तो चलिए मैं आगे से ही कवर करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए ये जो बिल्डिंग दिख रहा है यही है सिविल डिपार्टमेंट और सामने जो आप लोग को दिख रहा होगा यही है एडमिन। यहाँ देख सकते हैं हम लोग ऊपर आए तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे बोल सकते हैं एकदम सेंटर में है हमारा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो और यहीं पे आप देख सकते हैं एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, यहीं पे ऑफिस का आपका सारा काम होगा और इसका फर्स्ट फ्लोर में ही आपका सेमिनार हॉल है, प्रिंसिपल ऑफिस है, मतलब जो भी कॉलेज का काम है आपका यहीं एडमिन डिपार्टमेंट में हो जाएगा। चलिए मैं कुछ व्यूज दिखाता हूँ एडमिन डिपार्टमेंट का, यहीं पे आपका सारा ऑफिस का काम होगा, एडमिशन ऑफिस हो गया, मीटिंग ऑफिस हो गया, प्रिंसिपल रूम हो गया, तो आपको जो भी काम होगा यहीं पे आइए आप काम कराइए। यहाँ पे आप देख लीजिए सारा काम आपका ऑफिस का यहीं होगा, इधर मीटिंग्स हो रहे हैं, देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं एडमिन में सारे लोग गैदरिंग के लिए आए हैं यहाँ पे टीचर लोग से बात करने के लिए। 25 आ रहा है बड़ा दिन क्रिसमस डे, तो उसी के लिए लोग बात करने के लिए आए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उधर लोग बात कर रहे हैं। तो अभी मैं आगे ले चलूँगा आपको, तो सारे डिपार्टमेंट दिखाऊँगा, तो चलिए आगे फिर मिलते हैं। चलिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये एडमिन के बगल में है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, देख लीजिए एडमिन यहाँ पे है, इसके जस्ट फ्रंट में है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन के फ्रंट में फ्लैग होस्टिंग का भी अच्छा खासा है, ये पूरा प्लांटेशन यहाँ पे किया गया है आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी, यहीं पे फर्स्ट ईयर का क्लासेस होते हैं ना, यहीं पे फर्स्ट ईयर के क्लासेस होते हैं। तो चलिए आप आगे मैं ले चलता हूँ, CS है, ECE है और वर्कशॉप है, तो चलिए आगे मैं और आप लोगों को कवर करता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। इस बिल्डिंग के आप लोग पीछे देख सकते हैं
डिपार्टमेंट ऑफ CSE एंड ECE का भी ये जस्ट बगल में ही है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट का सेम ही बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर का यहाँ पे हो गया, इसके जस्ट पीछे आप लोग देखिए CSE का हो गया और ECE का, सेम ही बिल्डिंग में क्लासेस चलते हैं। तो ये देख लीजिए, इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ CSE, डिपार्टमेंट ऑफ ECE, यही बिल्डिंग है, सेम बिल्डिंग है। आगे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पूरा नेचुरली व्यू है। इधर आप लोग जिधर भी देखेंगे पेड़ पौधा पूरे हरियाली ही छाए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ECE सेम ही बिल्डिंग है, उधर से हो गया CSE का, इधर से हो गया ECE का, ये आप लोग बिल्डिंग देख सकते हैं। और ये कॉलेज का जो होता है इंजीनियरिंग का, जो सबसे मीन्स आप लोग बोल सकते हैं बेसिक या सबसे चैलेंजिंग इंजीनियरिंग लाइफ में जो बच्चे आते हैं, वो सबसे मतलब लोगों को जो फेस करना पड़ता है, जो अपने कला को दिखाते हैं, वो है वर्कशॉप। तो चलिए वहीं हम लोग आपको ले चलते हैं वर्कशॉप। वे देख सकते हैं ये रास्ता, चारों तरफ पेड़ है, हरियाली है, और ये है वर्कशॉप। आप लोग को थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा होगा, जो इंजीनियरिंग में बच्चा आए, वर्कशॉप में जो मेहनत किए, जो वर्कशॉप में मेहनत किए, वहीं जा कर के आगे अपना निखार लाते हैं। तो सबसे कड़ा, सबसे मेहनती, सबसे एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, वर्कशॉप में ही निखरता है, लोगों का खून पसीना यहीं बहता है, यहीं से शुरुआत होती है इंजीनियरिंग का। बच्चे यहीं आते हैं पहला साल, यहीं पे वर्कशॉप करते हैं, और यहीं से उनका सब इंजीनियरिंग लाइफ स्टार्ट होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चार वर्कशॉप हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देख ही रहे होंगे बिल्डिंग्स, आप लोगों को कुछ दिख रहे होंगे। आ ही गया, तो अभी लंच टाइम है तो वर्कशॉप बंद है, वर्कशॉप वन हो गया, देखिए टोटल चार हैं। इसके बगल में देखिए वर्कशॉप टू हो गया, कुछ टूल्स आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा होगा कुछ। चलिए खिड़की खुला है तो मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए यहीं पे बच्चे आते हैं वर्कशॉप करते हैं। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन भी बच्चों को दिखाया रहता है, ताकि किसी भी प्रकार से बच्चों को दिक्कत ना हो। इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, वर्कशॉप में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिस करोगे तब तो थोड़ा दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकता है। सेफ्टी के साथ ही वर्कशॉप में कभी भी एंट्री लीजिए तो सेफ्टी के साथ ही ले लीजिए। देखिए ये वर्कशॉप, सकते हैं इधर फिर तीन हो गया, चार हो गया, तो वर्कशॉप भी मैंने कवर किया, और मैंने आप लोगों को सारा चीज़ कवर करने का कोशिश किया। तो ऐसे ही आप लोग आगे बने रहिए, फिर भी नए कुछ नया करने का कोशिश करूँगा। जो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग्स यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का ब्लॉग्स। मैंने ओवरव्यू दिया है सिर्फ आप लोगों को, डिपार्टमेंट, बिल्डिंग्स, रोड मैपिंग मैंने आप लोगों को शो किया है। तो आगे और भी चीज़ मैं दिखाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टाटा, जय हिंद।